नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील। आप देख रहे हैं टेक्यू टाइम चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल के कुछ फंक्शंस के बारे में। हमने कुछ टैब्स के बारे में देख लिया था, अब बात कर रहे थे कुछ एग्जांपल के बारे में। उससे पहले हम कुछ फंक्शन देखना चाहते हैं, जैसे प्रोडक्ट फंक्शन क्या होता है, एवरेज फंक्शन क्या होता है, मैक्स फंक्शन क्या होता है, मिनिमम फंक्शन क्या होता है, फिर काउंट फंक्शन क्या होता है और कॉनकेटनेट फंक्शन क्या होता है। तो ये पांच छह कुछ फंक्शंस है जो हम इस वीडियो में बात करेंगे। कुछ ज्यादा चीजें है नहीं, सिंपल सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास में तीन नंबर है और इसका प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया, प्रोडक्ट फॉर्मूला और उसके बाद में रेंज, किस रेंज का आपको प्रोडक्ट निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, ऐसे ही क्या किया हमने, नीचे तक पूरा कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये होता है प्रोडक्ट फंक्शन। उसके बाद में बात करते हैं एवरेज फंक्शन। जब भी कभी आपके पास में बहुत सारा डाटा होता है और उसका यदि आपको एवरेज निकालना है तो ये फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने कुछ डाटा लिखा जैसे 10, 20 और 30, और इसका एवरेज निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया एवरेज और उसके बाद में ये रेंज। तो इसका एवरेज क्या आ गया, 20, और इसका क्या आ गया, 200। ठीक है, डायरेक्ट आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, यदि आपको एवरेज के फॉर्मूला पता है, मतलब जो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में करते हैं कि सभी का जोड़ करो, उसके बाद में उसके नंबर्स कितने डिजिट कितने यूनिट है और फिर उसको मल्टीप्लाई करो, ये सब चीज करने आती हैं, तो वो करिए। नहीं तो डायरेक्ट क्या है, आपको फंक्शन दिए हुए हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। जो हम यहाँ पे फॉर्मूला टाइप के अंदर में देख रहे थे, जो हम फॉर्मूला टाइप के बाद में यहाँ पे बात कर रहे थे ना कि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें हैं, तो उनके ही हम अभी इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फंक्शन कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद भी करते हैं मैक्सिमम फंक्शन। मैक्सिमम क्या है, जब भी आपको कोई एक डाटा दिया हुआ है उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी गई है, एक रेंज है उसमें मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है, तो वो आपको यदि कैलकुलेट करनी है तो आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम फंक्शन लगाने के लिए क्या है, यहाँ पे आप देखिए आपको इक्वल टू लिखना है और मैक्स लिखना है। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए फॉर्मूला वही है, मैक्स के लिए मैक्सिमम के लिए मैक्स और मिनिमम के लिए MIN। जैसे मिनिमम के लिए ये, तो सभी में मिनिमम क्या है, यहाँ पे 2, 2 और यहाँ पे 3 है। यदि आप यहाँ पे चेंज करते हैं, इसको हम 1 कर देते हैं, तो यहाँ पे मिनिमम क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्या कर सकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट हो गया, एवरेज हो गया, फंक्शन हो गया और मिनिमम हो गया। अब बात आती है काउंट की। काउंट फंक्शन में तीन चीजें हैं, काउंट, काउंटे और काउंट ब्लैंक। तो तीनों को एक बार समझते हैं। काउंट का मतलब होता है कि जो भी आपके पास में जो मतलब नंबर, जो रेंज सेलेक्ट करते हैं आप, उसमें से जो जो नंबर्स होंगे उनको काउंट करेगा। मान लीजिए कि ये मेरे पास में कॉलम है और एक कॉलम ये है। ठीक है, अब इसमें से नंबर कौन से हैं, इसमें 6 नंबर है टोटल, काउंटिंग कर रहा है ये, कौन को कितने सेल है जिनमें नंबर्स टाइप है, और यहाँ पे क्या है, 4 है। ठीक है, तो उसी हिसाब से क्या है, इसके रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 है फर्स्ट वाले में, तो 6 आ रहा है, यहाँ पे क्या है, 4 है। ये क्या करेक्टर है, करेक्टर को काउंट नहीं करेगा। लेकिन जब आपको ऐसे कॉलम काउंट करने हो, ऐसे सेल काउंट करने हो जिनमें कोई भी वैल्यू हो जाए लेकिन वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, मतलब जितने भी नॉन ब्लैंक यदि सेल आपको काउंट करने हैं, तो आप फंक्शन क्या लगाते हैं, काउंट ए, क्या लगाते हैं, काउंट ए। और काउंट ब्लैंक किस लिए लगाते हैं, सिंपल सी बात है, जब भी आपको ब्लैंक सेल कैलकुलेट करने होगी, इस रेंज में ब्लैंक सेल कितने हैं, तब उसके बाद में आप क्या लगाते हैं, काउंट ब्लैंक। तो काउंट फंक्शन के लिए सिंपल काउंट लिखिए और A2F2। काउंट फंक्शन क्या ही काउंट करेगा, ऐसे सेल जिनमें नंबर्स टाइप्ड है। काउंट ए क्या करेगा, ऐसे सेल जिनमें कोई भी वैल्यू टाइप है उसको क्या करता है, काउंटिंग करता है, मतलब नॉन ब्लैंक सेल को काउंट करता है काउंट ए। और काउंट सेल काउंट करता है नॉन ब्लैंक, बट वहां पे टाइप होना चाहिए नंबर्स। और काउंट ब्लैंक किसको करेगा, जो भी ब्लैंक सेल है वहां पे। तो यहाँ पे 0 ब्लैंक है इसलिए 0 शो कर रहा है, यहाँ पे 2 ब्लैंक है तो 2, यहाँ पे 1 ब्लैंक है तो 1, और यहाँ पे। उसके बाद में बात करते हैं कॉनकेट। टेक्स्ट जब भी आप यूज करते हैं आपके एक्सेल में, तब कॉनकेटनेट फंक्शन बहुत ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजफुल है। कैसे यूज करते हैं इसको, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक रेंज दिया, मतलब मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम तीन अलग अलग सेल में, और आपको ऐसे पूरा लिखना है, तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कॉनकेटनेट। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा किस लिए लगाया, स्पेस के लिए, ये इसके लिए था। ठीक है, यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो ये देखिए दो अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले ये, इसमें क्या है, आपका नाम में कोई भी स्पेस नहीं आया, लेकिन जब मुझे स्पेस लगाना था सरनेम, मिडिल नेम और फर्स्ट नेम में, तो ये लगाया मैंने।
और उसके बाद में यदि आपको कॉन्केटनेट लगाना है नीचे वैल्यूज में या इनमें सब में, ये सभी में लगेगा। आप ऐसा नहीं कि नंबर्स में नहीं लगा सकते, नंबर्स में भी लगा सकते हैं। वो जो नंबर्स हैं वो क्या हो, ट्रीट होंगे एज ए टेक्स्ट, ट्रीट किए जाएंगे यदि आप कॉन्केटनेट लगाते हैं तो, कॉन्केटनेट फंक्शन लगाते हैं तो। तो इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फंक्शंस की बात करेंगे, फिर एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।